हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल इंदूस गार्डन ऑफ ड्रीम्स में। और उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और रेनी सीजन का एंजॉय कर रहे होंगे और बहुत सारे प्लांट्स भी लगा रहे होंगे। बहुत अच्छा समय है दोस्तों, और आप अपने घर में प्लांट्स अवश्य लगाएं। बार बार मैं आप लोगों को कहती हूँ। और आज की वीडियो में मैं जो शेयर करने जा रही हूँ वो है कि ऐसे कौन से फ्रूट्स फल के पौधे लगाएं जो हमारी छत पर ग्रो बैग में या बड़े गमले में अच्छे से चल जाएं। तो दोस्तों, ये आज आपके साथ में शेयर करूंगी और शेयर करूंगी कि किन किन बातों का हमें मेन ध्यान रखना है जिससे कि आप अच्छी फ्रूटिंग ले सकें। और मैंने अपने टेरेस पर लगाए हैं पहले, उसके बाद ही मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि ऐसे कौन से फलदार पेड़ लगाएं जो हमारी छत पर ग्रो बैग में या बड़े गमले में हो जाएं। तो बिना देरी किए हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, छत पर यदि आपको ग्रो बैग में या बड़े गमले में फ्रूट लगाने हैं तो सबसे पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा जो मैं पहले ही आपके साथ शेयर करूंगी। इन बातों का ध्यान रखेंगे और यदि आप रख सकते हैं तभी आप फ्रूट के प्लांट गमलों में लगाएं, अदरवाइज लगाना बेकार होगा यदि आप इन बातों को नहीं मानेंगे। तो नंबर एक पर जो सबसे पहली बात है वो ये कि आपको जो गमला लेना होगा वो बड़ा लेना होगा, 16 या 18, 18x18 का आपको बड़ा ग्रो बैग लेना होगा। छोटे गमले में यदि आप लगाएंगे तो आपको अधिक अच्छी फ्रूटिंग नहीं मिल सकेगी, हो सकता है ना भी उस फ्रूट उसमें नहीं आए। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है ग्रो बैग का साइज। सेकंड नंबर पर जो बात करूंगी वो है स्पेस का ध्यान रखना, यानी कि जहाँ पर आपको दिन भर की अच्छी धूप मिले वहाँ पर आपको फल वाले पेड़ लगाने हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जितनी ज़्यादा धूप मिलेगी उतने ज़्यादा फूल आएंगे और उतनी ही ज़्यादा फ्रूटिंग होगी। बिना धूप के ना तो फूल आएंगे और ना ही आपका फल बनेगा। तो सोच समझ कर लगाएं, जहाँ पर धूप आती है वहीं पर आपको अपना वो प्लांट रखना होगा। तीसरे नंबर पर जो बात है वो है फर्टिलाइज़र की। अब ऐसा नहीं है कि आपने लगा कर छोड़ दिया हो, क्योंकि ये हाई फीडर होते हैं तो इनमें समय समय पर हमें अच्छी खाद भी डालनी पड़ती है। आपको समय समय पर महीने में एक बार वर्मी कंपोस्ट, किचन वेस्ट कंपोस्ट या गोबर की सड़ी हुई खाद इसका प्रयोग करना होगा। और साथ में अगर पेस्ट अटैक, इंसेक्ट अटैक लग जाते हैं तो उनका भी ध्यान रखना होगा। इंसेक्टिसाइड का स्प्रे समय समय पर करना होगा, तभी आपको अच्छी फ्रूटिंग मिलेगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात और आखिरी बात ये होगी कि प्लांट का लगाते समय आपको सॉइल मिक्सचर बहुत अच्छा लगाना है। फ्रूट का प्लांट यदि आप लगाना चाहते हैं तो आपको सॉइल मिक्सचर बहुत अच्छा लेना होगा, बिना सॉइल मिक्सचर्स के उसमें जो है फ्रूटिंग नहीं होगी। अच्छा सॉइल मिक्सचर का मतलब ये है कि ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होना चाहिए। यदि आप पानी डालते हैं तो पानी रुकना नहीं चाहिए, पानी अच्छे से ड्रेन हो जाना चाहिए। तो इन सब बातों को आप ध्यान रखेंगे तो आप अपने घर में भी फ्रूट का आनंद ले सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि ऐसे कौन से फ्रूट्स के प्लांट हैं जो हम अपने घर पर टेरेस पर ग्रो बैग में या बड़े गमले में लगा सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने भी लगाया हुआ है लास्ट ईयर, ये है अमरूद का पेड़। आप कोई सी भी वैरायटी लगा सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको ग्राफ्टेड प्लांट ही खरीदना है। आप नर्सरी से ग्राफ्टेड प्लांट खरीदेंगे। यदि आपने बीज से लगाया है तो उसको लगने में कम फ्रूटिंग देने में 5 से 6 साल भी लग सकते हैं और हो सकता है ना भी आए। कई बार अमरूद के पेड़ ऐसे ही निकल आते हैं तो उसमें हमें उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि हमें फ्रूट मिलेगा। तो ये देखिए, मैंने ग्रो बैग में लगाया हुआ है अमरूद का पेड़ और मुझे काफ़ी अच्छे अमरूद मिले हैं और अभी भी लगे हुए हैं। बहुत सारे मैंने हार्वेस्ट भी कर लिए हैं। तो जो पक गए थे मैं 2 बार वो हार्वेस्ट कर चुकी हूँ। और यहाँ भी देखिए, पका हुआ अमरूद है बिल्कुल। इसको भी अब बस मैं हार्वेस्ट ही करूँगी और बहुत अच्छे अमरूद मुझे इस बार मिले हैं। उधर भी देखिए लगे हुए हैं। तो अमरूद के पेड़ को आप अपने घर में अवश्य लगाएं, इजी टू ग्रो है, बस इन बातों का ध्यान रखें। दूसरा पेड़ है जो आप लगा सकते हैं नारंगी, जो छोटे छोटे ऑरेंज होते हैं तो वो भी बहुत अच्छे से निकल आते हैं। मेरे तो बहुत अच्छे ग्रो हुए थे और अब फिर से इसमें फ्रूटिंग शुरू हो गई है।
तो मैंने आपके साथ शेयर भी किया था और करती रहती हूँ। तो देखिए इसमें कितने सारे फ्लावरिंग हो रही है, अब फ्लावर शुरू हो गए हैं, अब फिर से इसमें छोटे ऑरेंज बन जाएंगे। कहीं कहीं देखिए बन भी गया है एक छोटा सा, दोबारा से अब ये बनना शुरू हुआ है। तो आपने देखा कि इस समय ये भी बन जाएंगे, तो आप इनको भी अवश्य लगाएं। और इसके बाद मैं शेयर करूंगी नींबू का प्लांट। तो नींबू का प्लांट भी दोस्तों बहुत अच्छे से चलता है, मेरे बहुत सारे नींबू आए हैं, बस आपको ग्राफ्टेड नींबू ही का प्लांट ही खरीदना है। और कुछ प्लांट मैं इस बार सोच रही हूँ कि लगाऊंगी जो मेरे पास नहीं है। वैसे ये देखिए जामुन का प्लांट है, ये तो मैंने ऐसे बीज से लगा दिया था, और बीज से लगाने से ये होता है कि फ्रूटिंग आने में 4 से 6 साल 5-6 साल लग जाते हैं, तो मैंने तो ऐसे ही लगा दिया था। जो कि मैंने 4-5 प्लांट सीड लगा दिए थे, तो कुछ मैंने किसी पार्क वगैरह में लगा दिए हैं, एक मैंने ऐसे ही अपने पास रख लिया है। शहतूत का प्लांट भी मेरे पास लगा हुआ है, और इसमें भी शहतूत जो है 2 से 4 साल में आएंगे, क्योंकि ये अपने आप ही निकल आया है। और मैं इस बार सोच रही हूँ अंजीर का प्लांट लगाना, और बड़े ग्रो बैग में अब 10 से 15 दिन के अंदर अंदर मैं लगाऊंगी और आपके साथ शेयर करूंगी। अंजीर का प्लांट भी बहुत अच्छे से फ्रूटिंग देता है, और चीकू का प्लांट भी आप लगा सकते हैं जो कि अच्छी फ्रूटिंग देता है। बस ध्यान रखें कि ग्राफ्टेड ही प्लांट लेकर आएँ। और एक प्लांट होता है अंगूर का, वो मैंने लगाया हुआ है, ये मेरा अंगूर का प्लांट है, तो छोटा सा मैं लेकर आई थी, और अब ये अच्छे से बढ़ रहा है, तो ये बेल के रूप में बढ़ेगा। तो इसको अब मैं किसी सपोर्ट से बांध दूंगी, इसको ऐसे बांध कर यहाँ ऊपर तक बांध दूंगी, यहाँ ले जाऊंगी और फिर इसको सपोर्ट दूंगी, और नेक्स्ट ईयर मुझे इसमें से फ्रूटिंग मिल सकती है। इसके अलावा आप लगा सकते हैं पपीते का प्लांट। पपीता भी घर में बहुत अच्छे से ग्रो बैग में हो जाता है। और इस बार मैं कमरख का प्लांट भी लगाऊंगी, जिसको स्टार फ्रूट भी कहते हैं, तो वो आपके साथ शेयर करूंगी जब मैं जो प्लांट लगाऊंगी फ्रूटिंग के। और बाकी छत पर इतनी जगह नहीं बची है कि मैं और ज़्यादा प्लांट लगाऊं, तो कम से कम 7 से 8 प्लांट मेरे पास फ्रूट के हो जाएंगे। बाकी सब्जियों के मैंने लगाए हुए हैं, तो सब्जियों के प्लांट भी मैं आपको बताऊँगी नेक्स्ट वीडियो में कि कौन कौन सी सब्जियाँ हम लगा सकते हैं। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करती हूँ दोस्तों। पसंद आया हो तो अवश्य लाइक कमेंट और शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और रेनी सीजन में अवश्य प्लांट लगाएं, ये आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।